हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक्सप्लिकेबल विद विनय में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यांत्रिकी का दूसरा भाग और मैं आपको इसमें बताऊँगा त्वरण के बारे में। ठीक है, आपको इसमें मैं त्वरण से स्टार्ट करते हुए आपको जड़त्व आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण इस सब के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कुछ दूरी के बारे में, विस्थापन के बारे में और यांत्रिकी की स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा त्वरण के बारे में। ठीक है, देखिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक और बताइएगा कि मेरा टॉपिक कैसा रहा, आप लोग कमेंट जरूर करा करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। त्वरण क्या होता है, देखिए बात करते हैं त्वरण की। देखिए, हाँ, हमें कोई डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पर आपको एक फ्लो में पढ़ना है और फ्लो में पढ़ने के बाद आपको जो चीज़ मैं बताता हूँ बस आप उतना ही ध्यान रखिए क्योंकि इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछना है। ठीक है, अगर बात करते हैं त्वरण की तो हम सीधे सीधे पहले ये समझिए त्वरण होता क्या है। ठीक है, त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सलरेशन। ठीक है, एक्सलरेशन फोर्स। ठीक है, त्वरण वस्तु के वेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो त्वरण होती है। ठीक है, और गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन त्वरित गति के कारण होता है। ठीक है, क्या त्वरित गति कहलाती है। त्वरण जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, एक समान त्वरण, असमान त्वरण और धनात्मक व ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, बात करते हैं एक समान त्वरण की। तो समान समय में समान वेग परिवर्तन ही एक समान त्वरण कहलाता है। समान समय में समान वेग परिवर्तन ही एक समान त्वरण कहलाता है। जैसे कि मान लो एक गाड़ी चल रही है, उस गाड़ी की स्पीड जो है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, कि 1 घंटे वो 1 किलोमीटर चल रही है। अगर उसका जो समय अगला लगता है, अगला 1 घंटा जब स्टार्ट होता है तो उस समय में भी उतने ही समय में वो उतनी ही दूरी, यानी कि अगले 1 किलोमीटर में वो 1 किलोमीटर की दूरी, 1 मिनट 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। सिंपल सी बात अगर हम कहें तो स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु में क्या होता है, एक समान त्वरण होता है, यानी कि उसका वेग ना तो घट रहा है और ना बढ़ रहा है, वो दर लगातार नीचे की तरफ क्या होती है, गिरती चली आ रही है और उसका जो त्वरण है वो एक समान रहता है। यही बात करते हैं असमान त्वरण की। असमान त्वरण क्या होता है, असमान समय में वेग भिन्न भिन्न हो जाता है, यानी कि समान समय में वेग क्या हो जाता है, भिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे मान लो आपने पहले 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी को कवर करा, जो अगला 1 घंटा है उसमें आपने कर दिया 5 किलोमीटर, फिर अगला 1 घंटा है उसमें आपने कर दिया 4 किलोमीटर, तो क्या करा आप, खिलवाड़ कर देते हो। एक पहला 1 किलोमीटर आपने एक चला, फिर अगला 1 किलोमीटर आपने 5 किलोमीटर चल दिया, फिर अगला 1 किलोमीटर आपने फिर कम कर दिया, तो ये क्या होता है, ये असमान त्वरण होता है। तीसरा है आपका धनात्मक व ऋणात्मक त्वरण। समय के साथ बढ़ना धनात्मक होता है, यानी कि समय के साथ त्वरण का बढ़ना धनात्मक त्वरण है और समय के साथ त्वरण का घटना ऋणात्मक त्वरण होता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा मंदन, पूछ लेता है कि मंदन किसे कहते हैं, तो मंदन किसी को नहीं कहते हैं, मंदन कहते हैं सिर्फ ऋणात्मक त्वरण को, और छोड़ दीजिए आप। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि मंदन किसे कहते हैं तो मंदन केवल किसको कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को। आगे देखिए, आपने धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण के बारे में पढ़ा। आप अगर धनात्मक त्वरण का एग्जाम्पल दिया जाए तो कार को आगे ले जाना धनात्मक त्वरण, कार को पीछे हटाना रिजर्व में ले जाना ऋणात्मक त्वरण। अरे कार को आगे बढ़ा रहे हैं, एक्सलेट कर रहे हैं, उसे एक्सलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सलेट देना पड़ेगा, रेस देनी पड़ेगी। ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा, कार आगे बढ़ जाएगी, जब कार आगे बढ़ रही होती है जिस कंडीशन में, वो होता है आपका धनात्मक त्वरण। जबकि ऋणात्मक त्वरण में क्या होता है, कार पीछे की ओर आती है। ठीक है, कार को पीछे ले आना आपका क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है, जबकि कार को आगे ले जाना आपका धनात्मक त्वरण होता है। ठीक है, ये था आपका त्वरण। इसके बाद बात करते हैं अपने जड़त्व की। ठीक है, जड़त्व क्या होता है, जड़त्व वास्तव में तो कोई भी बल नहीं होता। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात को, जड़त्व वास्तव में तो कोई भी बल नहीं होता, परंतु वेग में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, यानी कि जो वेग में परिवर्तन हो रहा है उसका ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। जड़त्व में कोई भी बल नहीं होता है, यानी कि जड़त्व एक तरीके से हम इसको बल नहीं कह सकते, फिर भी आपने सुना होगा जड़त्व बल। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी बल नहीं है, यानी कि जड़त्व फिर भी क्या करता है, वेग में परिवर्तन का विरोध करता है। अगर हम जड़त्व की बात करते हैं तो जड़त्व के तीन प्रकार होते हैं, एक विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व और एक दिशा का जड़त्व। ठीक है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व निर्धारित करता है
कि वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना है, यानी कि जो जड़त्व है यही निर्धारित करता है कि क्या होता है वस्तु में त्वरण कितना है। बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ हमने बताया यहाँ पर विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं विराम के जड़त्व की, ठीक है, हमें डेफिनेशन नीचे कि विराम का जड़त्व क्या होता है। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो क्या लिखा है, बस के अचानक चलने में उसमें खड़ा यात्री अचानक पीछे की ओर गिर जाता है। कैसे, देखो ये क्या खड़ा हुआ है, एक यात्री है खड़ा हुआ है, ठीक है, बस में ही खड़ा हुआ है, और ये क्या हो रहा है, जैसे ही बस क्या हो रही है अचानक से चल रही है, तो क्या हो रहा है ये वाला पोर्शन इसका क्या हो रहा है, बस के संपर्क में नीचे वाला, और जैसे ही बस चलती है तो ये वाला पोर्शन क्या होता है बस के साथ ही चलने लगता है, जबकि ऊपर वाला पोर्शन अभी भी किस में है, विराम में, ठीक है, और जब ये विराम में है तो ये क्या होता है बस आगे चली जाती है, और ये वाला पोर्शन क्या होता है पीछे की साइड रह जाता है, और इसी कारण जो व्यक्ति है वो पीछे की ओर गिर जाता है। तो पीछे की ओर गिरने का कारण क्या है यहाँ पर, कि विराम का जड़त्व, क्योंकि यहाँ तो बस पहले रुकी हुई थी ना, ठीक है, अभी मैं आगे और बताऊंगा आपको क्या होता है। कंबल को तेजी से झटकने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। देखिए कंबल क्या होता है, कंबल शांत अवस्था में खड़ा है, इसी में धूल के कण चिपके हुए हैं, देखिए धूल के कण चिपके हुए हैं, और जैसे ही आपने क्या करा, एक डंडा उठा और इस कंबल को बहुत जोर से मारा, तो कंबल क्या होगा उड़ के पीछे चला जाएगा। देखिए कंबल क्या होगा उड़ के पीछे चला गया, और जो धूल के कण थे वो वहीं पर रुक गए, और जो धूल के कण रुक गए, और इस पर क्या लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, पृथ्वी अपनी तरफ हर एक पार्टिकल्स को आकर्षित करती है, तो इन पृथ्वी ने इस कणों को क्या करता करी अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, और जो क्या थे धूल के कण किस में मिल गए, मिट्टी में, या आपके विराम अवस्था में ही रुके रह गए, और कंबल क्या था तुरंत गति की अवस्था में आ गया। तो पहले कंबल क्या था रुका हुआ था, तो बस ऐसे याद रखिए कंबल पहले रुका हुआ था तो विराम का जड़त हो गया बस, ठीक है। आगे बात करते हैं, पेड़ की शाखा को हिलाने पर उसके फूल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। आप पेड़ को हिलाइए पकड़कर, और फूल जो होते हैं वो सारे कहाँ चले जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। देखिए जैसे कि ये पेड़ लगा है, शांति से खड़ा हुआ है ये पेड़, ठीक है, विराम में है, ठीक है, और जैसे ही आपने क्या करा इस पेड़ को लेके हिला दिया, तो जितने भी फूल थे वो क्या हुए, गिर गए। देखिए पेड़ को आपने इधर हिलाया, इधर हिलाया, हिलाया, झटका देके एकदम हिलाया, पेड़ इधर उधर हिला, और फूल जितने थे वो नीचे गिर गए। तो फूल जो थे वो आकर्षक बल के कारण क्या हुआ, नीचे आ गए, गुरुत्वाकर्षण बल बताया था मैंने, ठीक है। और पेड़ कैसा था, रुका हुआ था पहले, और आपने इसको हिलाया, तो रुकने से क्या हुआ, गति में आया, तो ये विराम का जड़त्व हो गया, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं, खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली मारने से छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारने पर शीशा चटक जाता है, ऐसा क्यों होता है। गोली का वेग बहुत अधिक होता है, और जो गोली का क्षेत्रफल होता है वो बहुत ही कम होता है। जिस प्रकार गोली क्या होती है, इस कांच में से सिर्फ निकल पार करके निकल जाती है, जबकि कांच पे इतना समय नहीं मिल पाता कि वो पूरे कांच को चटका पाए, जबकि अगर उससे पत्थर मार दिया जाए तो पत्थर का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, वेग कम होता है। पत्थर क्या करेगा, जब तक ये कांच पर टकराएगा टकराएगा तब तक कि वो खिड़की के संपर्क में आ जाएगा, और शीशे के संपर्क में आते ही वो क्या करेगा, कांच को पूरा चकनाचूर कर देता है, ठीक है। यानी कि कहें तो हम कि वो कांच को भी अपने साथ ले जाने का, यानी कि गतिमान करने का कोशिश करता है, कांच को क्या करता है गतिमान करने की कोशिश करता है, जिस कारण आपका कांच पूरा चूर चूर टूट टूट हो जाता है। आगे देखते हैं गति का जड़त्व क्या होता था, गति के जड़त्व कुछ एग्जांपल है, जैसे पहला वाला है, देखिए चल रही है गाड़ी, उसमें विराम के जड़त्व क्या थी, गाड़ी रुकी हुई थी, यहाँ पर क्या चल रही है, और चलती हुई गाड़ी क्या अचानक से रुक जाए, तो यात्री क्या होता है आगे की ओर झुक जाता है। देखो क्या हुआ, यात्री बैठा हुआ है आराम से मजे में, गाड़ी चल रही है, बैठे हुए हैं भैया, ठीक है, गाड़ी चल रही है मजे में, और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, बैठा हुआ अपनी कुर्सी पर, जैसे ही क्या होता है, ये भैया बैठे हुए थे ठीक है कुर्सी पर, जैसे ही क्या हुआ ये बस अचानक से रुकी, और बस क्या हो गई, तुरंत विराम की अवस्था में हो गई। तो इसका जो नीचे वाला भाग था वो किसके संपर्क में था, बस के संपर्क में था, जबकि ऊपर वाला क्या था, फिर से फ्री था, ऐसे मैंने आपको विराम वाले में बताया था, ठीक है। और ये बस वाला संपर्क में क्या हो गया, अचानक से रुक गया, और पीछे वाला तो अभी गति में है ना, ऊपर वाला शरीर, शरीर का ऊपर वाला हिस्सा क्या है, गति में है, और इसको तो पता ही नहीं चला कि नीचे वाला शरीर क्या हो गया है, रुक गया है, अचानक से क्या होता है इसमें झटका लगता है, और इससे क्या होता है आगे की तरफ झुकने लगता है, इस कारण क्या होता है व्यक्ति झुक जाता है। तो यहाँ पर कौन सा लगा, गति में, देखो पहली चीज क्या इसमें थी, गति में, तो गति का जड़, बस सिंपल सा ऐसे याद रख लेना आपको। आगे क्या हुआ, एक और एग्जांपल है, एक समान चलती रेलगाड़ी में ऊपर उछाली गेंद उछालने वाले के हाथ में ही लौट आती है, ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति बैठा है, एक कार के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, कार के अंदर चल रही है, कार चल रही है, व्यक्ति चल रहा है, कौन कौन गति में, व्यक्ति भी गति में, कार भी गति में, और बॉल भी क्या है, गति में है,
बस ये बात ध्यान रखिए कि जो बॉल है वो एक समान गति की बात करता है, चाल कहाँ की है, एक समान गति की गाड़ी जो चल रही है वो एक समान गति से चल रही है, ठीक है। और बॉल उछालने पर क्या होगा, बॉल भी क्या होगी, उसके वेग के समान ही चलेगी और बॉल तुरंत छूट के उसके हाथ में ही गिरेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि कोई गेंद कहाँ गिरेगी, तो इसका आंसर हमें लगाना है जब एक समान गाड़ी लिखा हो, एक समान चाल लिखा हो, तो आपको क्या लगाना है, उसके हाथ, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल है, चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। तो सिंपल सी बात है, चलती गाड़ी कैसी होगी, गति की अवस्था में होगी, व्यक्ति कैसा होगा, गति की अवस्था में होगा। जैसे ही वो अपना पैरों को का क्या करेगा, नीचे की ओर रखेगा, तो पैर उसके क्या होंगे, विराम अवस्था में आ जाएंगे। और जो उसका ऊपर का शरीर है वो किस में था, गति अवस्था में, जिस कारण ऊपर वाला शरीर क्या करता है, चलने का काम करता है, पैरों को आपने रोक दिया ना, नीचे ले आ गया, तो इसी कारण क्या होता है, व्यक्ति तुरंत नीचे की ओर गिर जाता है। यात्री के प्रत्येक भाग का वेग गाड़ी के प्रत्येक भाग का वेग के बराबर होता है। जब व्यक्ति चलती गाड़ी से उतरता है तो पैर स्थिर हो जाते हैं पर शरीर स्थिर नहीं हो पाता और यात्री गिर जाता है। बचने के लिए थोड़ी दूर तक यात्री को गाड़ी की दिशा में भागना चाहिए, इससे वो नहीं गिरेगा। जड़त्व की दिशा का जड़त्व, दिशा क्या होता है, जैसे आप देखिए, ठीक है, कोई आप फिर से आप बस वाले में, बस ने क्या करा, अचानक से मोड़ ले लिया, बस ने क्या करा, अचानक से जो बस थी वो लेफ्ट साइड मुड़ गई, और लेफ्ट साइड मुड़ते ही आप किधर झुकेंगे, राइट साइड, ठीक है। तो आपने क्या करा, दिशा, दिशा के उल्टी डायरेक्शन में आपने क्या करा, काम करा, यानी कि देखो आप दिशा जा रही है, आप बस मुड़ रही है लेफ्ट में, आप झुक रहे हैं किधर, राइट साइड में, तो ये क्या है, यही दिशा का जड़त्व है, ठीक है। देखिए, जब कोई बस दाहिनी ओर मुड़ती है तो बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। ऐसा होता है क्योंकि शरीर का निचला भाग गाड़ी के संपर्क में होता है जो गाड़ी के घूमने के साथ ही घूम जाता है, तथा ऊपरी भाग हवा में रहता है जो अभी भी सरल रेखा के अनुदिश है, जो गति करना चाहता है और वह बाईं ओर झुक जाता है क्योंकि वो गति करना चाहता है। घूमती हुई चिकरगंदी की लॉ जो वृत्ताकार पथ के अनुदिश की होती है, जैसे कि एक चिकरगंदी है, और क्या होता है, दिवाली पर आप लोग जलाते हैं, फर्श पर रख के क्या होता है, थाली उली में रख के जलाया जाता है, इसमें बहुत सारी स्पार्किंग निकलती है, ठीक है, फायर क्रैकर होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पर आग लगा दी, आग लगाने पर इसमें आग इधर को जल रही है, ठीक है, इस साइड को, और चिकरगंदी कहाँ घूम रही है, इस साइड में आग निकल रही है इसमें, अगर ऐसे देखें तो आग तो ऐसे निकल रही ना, घूम कैसे रही है ऐसे, ठीक है। तो क्या हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन, भाई ऐसा क्यों होता है, तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो कौन सा जड़त हो गया, दिशा का जड़त, ठीक है, क्लियर हुई बात, यहाँ तक कि आपका जो जड़त था वो हो गया खतर। इसके बाद आपका आएगा आपका जड़त आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है, जब कोई पिंड या वस्तु किसी अक्ष के परिता घूर्णन करता है तो वह अपनी परिवर्तन का विरोध करता है, अपनी दिशा का परिवर्तन का विरोध करता है, पिंड का घूर्णन अक्ष के परिता विरोधी जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। बताइए एक बार क्या बोला मैंने, कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण पिंड की अपनी अपने परिवर्तन का, दिशा परिवर्तन का विरोध करता है, दिशा परिवर्तन का विरोध करता है, और पिंड की घूर्णन अक्ष के परिता विरोध ही जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। जैसे जड़त्व आघूर्ण अगर आपको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए एक एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है, बैलगाड़ी, साइकिल, रिक्शे के पहियों के रिम भारी व लोहे, भारी व मोटे, किंतु बीच का भाग पतला और खोखला बनाया जाता है। साइकिल में जो तीलियां ही क्यों लगाई जाती हैं, चकत्ते डिस्क क्यों नहीं लगा सकते, साइकिल में तीलियां ही क्यों लगाई जाती है, चकत्ते डिस्क क्यों नहीं लगा सकते, तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, साइकिल चलाते चलाते पैर बांधना बंद करने पे साइकिल भी कुछ दूर तक चल सकती है जब उसमें तीलियां लगी हों, जबकि अगर डिस्क लगी होने के कारण साइकिल क्या होगी, तुरंत ही रुक जाएगी और आदमी क्या होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा उसका और वो गिर जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, डिस्क नहीं लगाने का कारण यही है कि वो आदमी का क्या होगा, बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा और वो गिर जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको, ठीक है, आगे देखिए क्या होता है, आगे तो आपका है फिर बल, ठीक है, आगे तो आपका बल है, बस ये आपका पूरा चैप्टर हो गया खत्म। अब मैं कल आपको ये बताऊंगा बल के बारे में, ठीक है, कल क्या शायद आसान को ही आपको बता दूँ बल के बारे में, ठीक है, तब तक आप पढ़िए, बहुत बहुत कुछ पढ़ाना है मुझे आपको, ठीक है, तब तक आप, ठीक है, देखिए चैनल को मेरे और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, कमेंट भी करिए, जो आपको पढ़ना है उसके लिए कमेंट भी करिए, ठीक है, और बस शेयर करते रहिए, ठीक है, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है,
थैंक यू वेरी वेरी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।